हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सीख रहे थे IUPSC नेमिंग और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है आज हम उसको बताएंगे। और आज IUPSC में हम जितने भी रूल हैं लगभग वो आपको बता चुके हैं, आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में कुछ हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी हमने कुछ लिए एग्जाम्पल्स और वो आपको बनाएंगे या वो आपको बनाने हैं। देखिए, जब भी मैं आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको बनाना IUPSC नेमिंग को और कमेंट में उसको लिखना और बाद में चेक करना कि आपने जो IUPSC नेमिंग बनाया है वो सही है कि गलत है। तो मैं आपको एक सेकंड दो सेकंड का टाइम दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उसके बाद एक एक करके मैं इसको आपको बनाकर बताऊंगा आपको नियमों के साथ में कि कैसे ये इनका IUPSC नाम बनेगा, ठीक है ना? तो आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम लेते हैं पहला। देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है और इसमें आपको पता ही है IUPSC नेमिंग बनाते टाइम आपको ध्यान किस बात का रखना है। ध्यान सबसे पहले ये रखना है कि सबसे पहले आपको करना है मेन चेन का चुनाव। कौन सी चेन? मेन चेन। और मेन चेन का चुनाव करते टाइम आपको पता है कि आपको लेना है फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में, डबल बॉन्ड हो तो उसको भी लेना है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको भी लेना है। मेन चेन में ये तो शामिल ही होने चाहिए। अगर ये तीनों ही नहीं है तो बाकी आप जानते ही हो चेन कैसी हो। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो चेन हो लॉन्ग। कैसी हो बच्चों? चेन लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी चेन होनी चाहिए। उसके बाद आपको करनी होती है नंबरिंग और नंबरिंग का नियम भी मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है आपके साथ में। आज नंबरिंग में आपको मैंने बता ही दिया क्या बच्चों कि नंबरिंग करते टाइम जो वरीयता क्रम है वो है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कोई साइड चेन और लास्ट में अल्फाबेट, ठीक है? ये इसका क्या है? वरीयता क्रम है। अगर फंक्शनल ग्रुप आपके एग्जाम्पल में है तो वो जहां से पास पड़ेगा वहीं से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है? ये बात आप समझ गए। उसके बाद एक छोटा सा नियम और है, वो भी मैं आपके साथ को बता दूं। IUPSC नाम लिखते टाइम सबसे पहले लिखोगे आप किसका नाम? साइड चेन का नाम। और साइड चेन के बाद आप लिखोगे मेन चेन का नाम। और मेन चेन के बारे में इतनी बातें मैंने बता ही दी। साइड चेन में क्या होगा? किसी का प्रीफिक्स होगा तो वो साइड चेन के अंदर आएगा और जो फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा वो मेन चेन में आएगा। आपको पता ही है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये सब किस में होंगे? मेन चेन में शामिल होंगे। और चेन जो हो थोड़ी ज्यादा कार्बनों की होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड आ गया चेन में, अगर चेन छोटी भी है तो भी आपको लेनी पड़ेगी और मेन चेन में इनको शामिल करना ही करना है। तो लीजिए पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में देखिए बच्चों की मेन चेन है क्या और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा SO3H। क्या है बच्चों? ये SO3H यानी सल्फोनिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप है। और देखिए कार्बन की चेन, देखिए ये आपकी मेन चेन हो गई। फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है नहीं, वरना इसको भी हम मेन चेन में ले लेते। तो देखिए आप इधर से गिने कि इधर से गिने नंबरिंग करते टाइम। तो आपको पता ही है नंबरिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो जिधर से नजदीक है वहीं से गिनेंगे। तो देखना ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 इधर से पड़ा, ये 2 पे, और इधर से 1 2 3 इधर से भी 2 पे। तो दोनों साइड से गिनने पर ये पड़ा 2 पे, इसलिए आप किधर से भी आप गिन सकते हो। तो मैं गिन लेता हूं 1 2 3। अब मैंने कर ली इसकी नंबरिंग और नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है? इसका नाम लिखना। तो नाम में क्या करना है? पहले साइड चेन का नाम लिखो, फिर मेन चेन का नाम लिखो। और मेन चेन में होता क्या है? नाम लिखते टाइम आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेन चेन में सबसे पहले आपको लिखना है चेन का नाम यानी एल्क, एल्क के बाद आपका बॉन्ड नेम यानी प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आपको लिखना है
फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं, ये मेन चेन में होता है नाम लिखते टाइम। तो लिखिए, तो इसमें कोई साइड चेन है नहीं, मेन चेन से जो जुड़ी हुई होती है वो साइड चेन होती है और इसमें कोई साइड चेन है नहीं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप मेन चेन में एल की यानी चेन का नाम, और वो क्या है, वन टू थ्री, वो हो गया आपका क्या बच्चों, प्रॉप। प्रॉप प्रॉप के बाद आप लिखोगे बॉन्ड नेम, क्या बच्चों, बॉन्ड नेम। और बॉन्ड नेम में बता दूं, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड ही है। तो बॉन्ड का नाम क्या आएगा, एन। क्या आएगा बच्चों, एन। और उसके बाद आपको लिखना है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो लिखिए, और कितने पे, वो दो पे, तो आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा, टू सल्फोनिक एसिड, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये आपका सेकेंड हो गया, इसमें देखिए C double OH, यानी आप देखते ही समझ गए होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किए थे फंक्शनल ग्रुप और उनका जो प्रायोरिटी लिस्ट थी वो हमने, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट वन से देखना शुरू करिए, जब भी आपको आईयूपीएससी समझ में आएगा। तो देखना इसमें मेन चेन में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को शामिल करना ही है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये एक दो तीन, ये चार कार्बन की मेन चेन हो गई, और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, तो ऊपर कौन सा, दोनों सेम ही है, तो आप किसी को पहला और किसी को लास्ट वाला मान सकते हो। तो देखिए, इसको हम पहला मान लेते हैं, वन टू थ्री और ये फोर, देखिए वन टू थ्री और फोर हमने नंबरिंग कर ली। अब कैसे नाम लिखेंगे इसके बच्चों, देखो चार कार्बन की चेन का नाम ब्यूट, ब्यूट के बाद आप लिखोगे बॉन्ड नेम, क्या नाम है, कहीं डबल बॉन्ड नजर आया नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आया नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नाम क्या होता है आपका, एन, ब्यूटेन। अब ये तो हमने लिख दिया चेन नेम यानी एल्क और बॉन्ड नेम, अब लिखो सफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, सी डबल एच का, ओइक एसिड, वो लिखेंगे। और ये कितने हैं, दो हैं, ये एक नंबर वन और एक नंबर फोर पे, तो आप कैसे लिखोगे, ब्यूटेन 1.4 डाई, डाई क्यों लगाएंगे कि दो हैं ये, दो के लिए डाई, मैंने बता रखा है पहले, डाइओइक एसिड। देखिए ये इसका नाम हो गया, और इसमें भी बच्चों मिस्टेक है, क्योंकि आपको पता है जब आपने वोवेल वाला सफिक्स यूज किया है ओइक एसिड, तो आपको एन पे से ई को हटाना होगा। अब ये बना 101% करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप, देखिए इसमें ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया सी डबल ओएच यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हो गया एल्कोहल, डबल बॉन्ड भी है इसमें, बस यही फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हो गए दो और एक है बॉन्ड नेम यानी डबल बॉन्ड। तो इसका नाम लिखिए, सबसे पहले मेन चेन में पता ही है आपको फंक्शनल ग्रुप को शामिल करना ही है, करिए। और एक बात और आपको नोट वाली बता दूं, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर कौन, ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नीचे वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो उससे नीचे आएंगे वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, वो होंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी एक गौण फंक्शनल ग्रुप होंगे, इनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे साइड चेन हो वो, और उनका उस टाइम पे यूज किया जाएगा प्रीफिक्स। पिछली वीडियो में मैंने सबका प्रीफिक्स और सफिक्स बता दिया है, आप वहां से उन्हें आराम से नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हम लिख रहे हैं मेन चेन में, देखिए शामिल करिए कार्बोक्सिलिक एसिड को करना ही है और डबल बॉन्ड को भी करना है, तो इस हिसाब से मेन चेन आपकी ये हुई। और बाकी देखना ये जो जो आपकी मेन चेन में शामिल नहीं हुई, ये भी और ये भी, ये सब है साइड चेन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इससे ऊपर वाला अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका क्या यूज होगा बच्चों, प्रीफिक्स, इसका सफिक्स यूज नहीं होगा, इसका सफिक्स यूज होगा। तो इसका प्रीफिक्स क्या, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग में आपको पता ही है, नंबरिंग में आप करोगे फंक्शनल ग्रुप के जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, तो करिए इधर से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने कर दी इसकी नंबरिंग। अब देखिए सबसे पहले आसान तरीका आपको बनाने का बता रहा हूं, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिख लीजिए आप, उसके बाद एक साथ बनाएंगे, पहले रफली लिख लीजिए।
तो क्या करेंगे, देखो चौथे कार्बन पे है OH, तो क्या बनेगा ये बनेगा 4-hydroxy, क्योंकि इसका एक प्रीफिक्स होता है। उसके बाद देखना ये बना दो कार्बन का, क्या बना बच्चों आपको पता ही है साइड चेन है, तो L प्लस YL यानी दो कार्बन का ETH प्लस YL क्या हो गया, ये हो गया इथाइल। नंबर पे किस पे, दो पे, तो क्या हो गया ये 2-ethyl। एक साइड ये चेन है, फोर पे ये एक कार्बन का है, तो क्या हो गया ये 4 नंबर पे मिथाइल। ठीक है, यहां को लिख लेते हैं ऊपर को, 4 पे क्या आ गया ये मिथाइल। तो सारी साइड चेन का नाम लिख लिया, अब मेन चेन देख लीजिए, मेन चेन आपकी है ही, मेन चेन साथ के साथ लिख लेंगे, कोई समस्या है नहीं। तो साइड चेन में देखिए, अब साइड चेन को जब भी लिखेंगे आपको पता ही है, पहले साइड चेन का नाम फिर मेन चेन का नाम, और साइड चेन का नाम लिखते टाइम आप क्या करोगे बच्चों, साइड चेन का नाम लिखते टाइम आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाओगे। तो देखिए कि ये मिथाइल हाइड्रोक्सी और इथाइल, इसमें सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से कौन सा आ रहा है, तो देखिए ई पहले आता है, उसके बाद एच आता है, उसके बाद एम आता है, तो ऐसे ही ऑर्डर में आप लगा दो। लिखिए सबसे पहले लिखिए फोर, नहीं सबसे पहले लिखेंगे आप इसका नाम, ई पहले आता है, 2-ethyl, उसके बाद आप लिखोगे इसका नाम 4-hydroxy, उसके बाद आप लिखोगे इसका नाम 4-methyl। ठीक है, अब लिखोगे आप किसका नाम बच्चों, मेन चेन का नाम, और मेन चेन में लिखिए सबसे पहले एल्क यानी चेन का नेम, और वो है कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 के लिए क्या आता है आपका हेक्स, और हेक्स के बाद आपको लिखना है बॉन्ड नेम, कहीं कौन सा बॉन्ड है बताना, डबल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड, और जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म, तो क्या होता है डबल बॉन्ड का नाम, इन, तो कितने पे हो, 4 और 5 के, तो कम वाले का मानेंगे, 4 से शुरू है 5 पे एंड है, तो 4-ene। और आपको मैं बता दूं 4-ene के बाद मैंने इन ही लगाया है, क्यों नहीं लगाया है वो, क्योंकि अगला ओइक एसिड है और दो ओवल एक साथ आते नहीं है, मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा, डैश मैंने लगा दिया, तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, 1-pe-oic acid, 1-pe-oic acid, तो बिल्कुल आसान है, और चाहते तो 1 को लिखना जरूरी है नहीं, तो सीधा ओइक एसिड भी लगा देंगे ना इसके साथ, तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नंबर 4 पे, इसमें भी देखिए ये एग्जांपल लिखा है, आप कार्बन के वैलेंसी क्या है उस पर ध्यान मत देना, अगर आपको लग रहा है तो हम पूरी कर देते हैं, लो इधर एच जोड़ दो, यहां भी लो एच जोड़ दो, चलो ये कर दी हमने कार्बन की पूरी, लो इस पे भी ले लो CH3 और लो CH2 कर दी पूरी, इस पे रहेगी कम, लो एच जोड़ दो। तो आपको पता है कार्बन की कितनी होती है वैलेंसी, 4, तो बॉन्ड बीच कार्बन के 4 और होते हैं 4, तो यहां तो हमें केवल IUPAC नेमिंग सीखनी है, तो लिख लीजिए। अब देखो इसका मेन चेन में शामिल करो, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा, फंक्शनल ग्रुप है CONH2 यानी आपका एसिड एमाइड, और ये कौन सा है बच्चों देखना, ये एल्डिहाइड, और ये भाई ये, और ये आपका अल्कोहल, 3 है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर कौन सा, प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होता है आपका एसिड एमाइड, क्या बच्चों, एसिड एमाइड, तो वो तो फंक्शनल ग्रुप एज ए काम करेगा आपका, उसका सफिक्स यूज करना है, बाकी का तो प्रीफिक्स ही यूज करना है, तो करिए जरा मेन चेन में शामिल करिए, तो इधर किससे किधर से पास पड़ रहा है, पास ये खुद से ही पड़ रहा है, क्योंकि CONH2 में खुद में भी कार्बन होता है, तो खुद में भी कार्बन है, तो बिल्कुल उसी के कार्बन से गिनना शुरू करेंगे, तो आप मेन चेन में इसे शामिल करिए, और उसके बाद देखिए कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, तो लंबी चेन किधर को हो रही है, इधर को, तो इसको शामिल कर लो, देखो इसे भी ले लो, तभी तो लंबी चेन होगी, ये आपकी होगी मेन चेन। ठीक है, और बाकी की रह गई साइड चेन, नाम लिखिए साइड चेन का नाम लिख लीजिए, देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो मेन चेन में कार्बन कितने हो गए, 6, बाकी साइड चेन में देखना ये 2 पे क्या है, 2 कार्बन की चेन, तो क्या बोलेंगे इसको, 2-pe-ethyl, क्या बच्चों, 2-pe-ethyl, और उसके बाद देखिए हाँ इसका नाम क्या होगा, इसका होगा आपका 4-pe-hydroxy, आपको पता ही है मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, और उसके बाद देखना एक और है आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जब मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो बताया था एल्डो या फॉर्मिल,
फॉर्माइल। तो आपको पता ही है कि एल्डो कब लगेगा, फॉर्माइल कब लगेगा। अगर हम एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं गिन पाएंगे तो यूज करेंगे फॉर्माइल, और अगर गिन लेंगे तो करेंगे एल्डो। तो ऐसी करिए, लिखिए सबसे पहले साइड चेन, तो फोर पे हाइड्रोक्सी, तीन पे आपका एल्डो नहीं फॉर्माइल लेंगे, एच और एफ, और इधर क्या आ गया इथाइल। तो कौन सा पहले पड़ेगा अल्फाबेट के हिसाब से, पहले आएगा इथाइल, तो लिखिए टू इथाइल, उसके बाद क्या आएगा बताओ, फॉर्माइल पहले आएगा कि आपका हाइड्रोक्सी, तो एफ पहले आता है, तो लिखिए थ्री पे फॉर्माइल और फोर पे हाइड्रोक्सी, और कोई साइड चेन तो नहीं है, नहीं। अब लिखिए इसकी मेन चेन का नाम, तो मेन चेन लिख लीजिए कितने की है वो, हेक्स, क्या बच्चों हेक्स। हेक्स के बाद लिखिए बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम कहां नजर आया, डबल ट्रिपल है कहीं, नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, इन लगाओ हेक्सेन। उसके बाद आप लगाओगे वन पे क्या है आपका एमाइड ग्रुप है, तो इसका क्या होता है सफिक्स, इसका होता है आपका एमाइड, इसका सफिक्स होता है एमाइड, तो क्या करोगे एमाइड में ही आता है तो दो ओवेल एक साथ यूज नहीं करते, तो आप लिख दोगे वन एमाइड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वन को लिखना जरूरी नहीं है, तो वन आप हेक्सेनामाइड आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो टू इथाइल थ्री फॉर्माइल फोर हाइड्रोक्सी हेक्सेनामाइड, ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई सा भी आईयूपीएससी नेम आपको दे दो आप आसानी से बना लोगे। तो जहां तक जिस लेवल तक का भी मैंने अभी तक आपको सिखाया उसकी आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो उसको समझिए और बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखना, इसको भी मेन चेन का चुनाव करो, देखिए देखिए इसमें साइनाइड 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 साइनाइड, कितने साइनाइड है इसमें, इसमें पांच साइनाइड है साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि पांचों के पांचों साइनाइड को आप मेन चेन में शामिल कर सकते हो। देखो मान लीजिए मैंने इसको कर लिया, इसको कर लिया तो मेन चेन खत्म, फिर इसको कैसे करेंगे, और इधर से इन्हें गिन लिए तो ये दो बच गए। देखिए बच्चों अगर कोई एक जैसा फंक्शन ग्रुप आ रहा है तो आपको अगर मेन चेन में शामिल करोगे तो सारों को करोगे, और नहीं करोगे तो एक को भी मत करना। तो इसका मतलब हम सबको मेन चेन में शामिल नहीं कर पा रहे तो एक को भी मत करो। तो लंबी मेन चेन कैसे होगी, यहां से लेके और यहां तक ये मेन चेन बन गई, बाकी के ये सब जब आप एक गिन ही नहीं पा रहे हो सबको तो एक आध को छोड़ दो। तो करिए पांच से किधर पड़ रहा है, देखो यहां देखना दो पे है साइन और यहां तो वन पे ही है और वो भी तीन है, तो इधर से ही करो वन टू थ्री फोर और ये फाइव, ठीक है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब क्या होगा इसमें तो बहुत सारी साइड चेन होगी, साइड चेन नहीं है ये फंक्शनल ग्रुप है मेन, कौन सा ये साइनाइड, और लेकिन इस साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है आपका उसका आपने काउंट नहीं किया है कार्बन, तो कैसे बनाओगे इसका यूपीएससी नेम बताओ। देखिए ऐसी कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका स्पेशल सफिक्स, ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो सबसे पहले चेन का नाम वो है आपका पेंट, पेंट के बाद देखना बॉन्ड नेम, दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे टू इन, टू इन, और उसके बाद देखना बच्चों ये है तीन तो वन पे है वन कोमा वन कोमा वन, फिर कोमा एक तीन पे है और एक किस पे चार पे, तो ये पांचों ऐसे हो गए, एक पे तीन हो गए, तीन पे एक हो गया, चौथे कार्बन पे एक हो गया। तो उसके बाद क्या लगाओगे पांच के लिए, क्या लगाते हो आप पांच है ना, तो आप लगाओगे पांच के लिए पेंटा, ठीक है। और इसका जो स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, तो पेंटा कार्बो नाइट्राइल हो गया इसका यूपीएससी नाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, नेक्स्ट में क्या रहा, यहां कोई साइड चेन और ओ और फिर कोई चेन, तो इसमें मेन चेन कौन सी आपको पता ही है, मेन चेन वो जिसमें डबल बॉन्ड आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो मेन चेन होगी आपकी ये, और बाकी की ये हो गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप, सही पहचाना ये है ईथर। तो ईथर का नाम आपको पता ही है, इसका होता है एल्को, क्या होता है बच्चों ये होता है इसका, इसका जो आपका आईयूपीएससी नेमिंग होता है ईथर का कैसे करते हो,
तो ऑक्सी लगाओगे, एल्कोक्सी एल्केन करीब इसका आईयूपीएसी नेमिंग होता है, लिखिए। तो मेन चेन आपको कहां से गिननी बताइए, ईथर ऊपर कि डबल बॉन्ड ऊपर? तो प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर क्या है आपका, डबल बॉन्ड, तो वहीं से गिनेंगे, 1 2 3 गिन लिया मेन चेन तीन कार्बन की। तो देखिए तीसरे कार्बन पे है ओ, तीसरे कार्बन पे है ओ, और उसके साथ में क्या है ये साइड चेन, क्या कौन सी, कितने कार्बन की, एक, मेथ, क्या बोलते हैं इसको, मेथ। तो क्या लिखोगे आप, तीसरे कार्बन पे है एम ई टी एच ऑक्सी, ऑक्सीजन, थ्री मिथॉक्सी, और उसके बाद अब मेन चेन का नाम एल्क, तीन कार्बन का है तो क्या हो गया, प्रोप, और देखना वन और दो के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, वन इन लिख लो, या इन वन को तो लिखना जरूरी है नहीं, तो इन लिख दो। तो थ्री मिथॉक्सी प्रोपीन, ये बना इसका यूपीएससी नेमिंग। अब देखिए इसको देख के घबराना मत, इसका कभी चित्र देख के घबरा जाओ कि इसका कैसे बनेगा, इसका भी बड़ा आसान है, देखना यहां कोई साइड चेन, यहां कोई साइड चेन, और क्या लगा हुआ है, ओ, तो ये भी एक ईथर है, पर ये ईथर का दूसरा रूप है। यहां देखना ओ में कि यहां कोई साइड चेन है तो कट, और इधर की साइड चेन अलग, और इधर की बिल्कुल अलग, तो ये हो गया नॉर्मल ईथर। और ये कौन सा वाला ईथर है, इसमें देखना ये इधर इधर आपस में फिर मेन चेन जुड़ी हुई है, यानी चेन भी जुड़ी हुई है और उसके दोनों से टच करके लगा हुआ है ओ, तो इसको बोलते हैं, इस ईथर को बोलते हैं इपोक्सी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इपोक्सी, मैंने लिखवाया पिछली वीडियो में इसे, तो नाम लिखिए इसका। देखिए सबसे पहले नंबरिंग करिए, तो प्रायोरिटी लिस्ट में डबल बॉन्ड पहले है, तो 1 2, और जहां भी कोना बन जाएगा ना वहीं एक कार्बन है, 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन की चेन है ये, कितने कार्बन की, 8 कार्बन की। तो नाम लिखिए इसको, लिखिए नाम, सबसे पहले क्या लिखो, आपको पता ये प्रीफिक्स या साइड चेन, तो देखना 4 और 7 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, देखना 4.7 क्या है, ये इपोक्सी, ये इस ईथर के ऐसे वाले ईथर को जो दोनों साइड से जुड़ा हुआ हो किसी कार्बन पे, मैं एक बार इसका चित्र बना के भी आपको बता दूं, यानी कोई कार्बन की चेन है और इसमें ओ इस तरीके से जुड़ा हुआ, तो ये होता है इपोक्सी, बाकी इधर की कोई चेन चल रही है, इधर कोई चेन चल रही है, ये होता है ईथर, इसका होता है प्रीफिक्स एल्कोक्सी। तो 4.7 क्या हो गया बच्चों, इपोक्सी, और उसके बाद 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, और कितने पे डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में, तो क्या लिखोगे, 2 इन, और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या इससे अलग, बिल्कुल नहीं है, तो हो गया नाम 4.7 इपोक्सी ऑक्टीन, ऑक्ट 2 इन, ठीक है। तो ये 4.7 कैसे लिखा, ये इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ये जो ईथर है इपोक्सी वाला ग्रुप है, ये 4 कार्बन और 7वें कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें मेन चेन शामिल करिए और पहचानिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा। देखिए फंक्शनल ग्रुप है इसमें, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये कोई एल्काइल ग्रुप, तो सी ओ ओ एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये है एस्टर, क्या बच्चों, एस्टर, तो एस्टर को तो शामिल करना ही है मेन चेन में, करिए, ये आपने ले लिया एस्टर, और डबल बॉन्ड भी लेना है तो मेन चेन आपकी बनी ये, ठीक है। अब मेन चेन ये बन गई, तो कार्बन यहीं से गिनना शुरू करो, नंबरिंग करो, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि होता ही है ऊपर, तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन की चेन बन गई। अब नाम लिखिए इसका आईयूपीएसी नेमिंग, साइड चेन कौन सी है, देखो ये जो बच गई है साइड चेन है, और कितने नंबर पे जुड़ी हुई है, 2 पे, तो क्या बनेगा ये, 2 प्रोपाइल, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि 3 कार्बन प्रोप और YL जोड़ना ही है, तो क्या है, दूसरे कार्बन पर जुड़ी हुई है, तो क्या हो गया, 2 प्रोपाइल, बाकी सब मेन चेन है, तो लिखिए पूरा नाम आईयूपीएससी, तो क्या लिखेंगे, 2 प्रोपाइल। उसके बाद देखना बच्चों एक चीज और रह गई है जो आपको लिखनी है, ये भी तो एक साइड चेन की तरह काम करता है, इसका नाम क्या होता है, एल प्लस वाई एल, यानी ईथ 2 कार्बन प्लस वाई एल इथाइल। और मैंने इसका आईयूपीएससी नेमिंग जब बताया था एस्टर का, तो बताया था इसका आईयूपीएससी नेम होता है एल्किल एल्केनोइट, यानी एल्काइल भी आपको लेना है, तो ई पहले कि पी पहले, ई पहले, तो उसका नाम भी लिखिए इथाइल। और ये तुम्हें पता ही है
कि इसका कोई, ये तो है ही सीधा एस्टर से जुड़ा हुआ, तो वन को लिखते भी नहीं है, तो बस आप इतना ही लिखोगे इसमें इथाइल, इथाइल हो गया। ये साइड चेन दूसरे कार्बन पे है तो टू प्रोपाइल, क्योंकि ये वाली जो साइड चेन है यानी एल्काइल जो है ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है मेन चेन के, तो उसका नंबरिंग लिखेंगे ही नहीं। तो इथाइल टू प्रोपाइल और मेन चेन कितने कार्बन की, चार, ब्यूट। और देखने फिर लिखो बॉन्ड नेम किसके बीच में है, ये टू और तीन, टू और थ्री के बीच में, तो टू इन, और फिर लिखिए आप किसका बच्चों, फिर लिखिए आप इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, वो होता है ओएट। तो ई को हटा दो और क्या लिखो, 108 लिख दो या इसी में जोड़ दो, क्या करूं, चलो अलग लिख देता हूं 108। ये हो गया इसका आईयूपीएससी नेम। और देखिए अगला नेक्स्ट, ये क्या है देखना, ये कोई आपका आर साइड चेन, ये कोई साइड चेन, और बीच में किससे जुड़े हुए हैं, ओ से, किससे जुड़े हैं बच्चे, ओ से। आपको लग रहा होगा ईथर है, नहीं ईथर नहीं है ये, क्योंकि ये देखना सीओ है, ईथर में कहीं देखा होगा आपने साइड चेन होंगी CH3 CH2, लेकिन CO नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, पहचानो। तो जो टेबल पिछली वीडियो में लिखवाई उसको देखो, तो इसको देखने के बाद आपको पता लगेगा ये है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, RCO का होल ट्वाइस O, तो एक कार्बन की चेन को गिन लो, दोनों सेम ही होती हैं, तो 1, 2 और 3। तो क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है इसमें ओइक एनहाइड्राइड जोड़ा जाता है, तो तीन कार्बन है, तो क्या हो गया बच्चों, तीन कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया प्रोप, बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कहीं नहीं बताया डबल या ट्रिपल, तो प्रोपेन, और किस पे बच्चों, क्या जोड़ना है इस पे, ओइक एनहाइड्राइड, तो प्रोपेन और वन पे लिख दो या ऐसी लिख दो, ओइक, ओ ओइक सॉरी ओ वाई के ओइक OYC, ओइक एनहाइड्राइड, क्या जोड़ना है लास्ट में, ओइक एनहाइड्राइड, तो ओइक एसिड, ओइक में कहीं मिस्टेक लग रही है, अच्छा OIC, ओइक एनहाइड्राइड। तो ये बना इसका नाम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आप सोचोगे कि कार्बन का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वन का लिखते नहीं है, क्योंकि प्रोपेन वन ओइक एनहाइड्राइड आता इसका। देखिए ये भी देखने में आपको लग रहा होगा कि काफी डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, आपको पता जहां भी मुड़ जाए ना कार्बन, वहीं एक नया कार्बन हो गया। तो देखिए मेन चेन में शामिल करिए, सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में है फंक्शनल ग्रुप COOH, ठीक है, तो ये आपका मेन चेन में होगा, यहां तक यहां तक यहां तक और ये यहां तक ले लो मेन चेन। तो नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब पॉइंट आता है कि एल्डिहाइड को गिनोगे या नहीं गिनोगे मेन चेन में, अगर गिन लोगे तो एल्डो लगा देना, नहीं गिनोगे तो फॉर्माइल लगा देना। चलो हम गिन लेते हैं 9, तो 9 कार्बन की चेन बना दी हमने, तो हम थोड़ा सा यहां मिटा देते हैं हल्का सा, उसके बाद लिखते हैं आपका इसका नाम। अब देखिए ये तो हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप ये वाला, बाकी सब क्या है, सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो इनका सबका यूज करना है बच्चों क्या, प्रीफिक्स, और इसका यूज करना है COOH का सफिक्स। तो लिखते हैं इसका क्या बनेगा बताओ, ये आपका COOR, देखो ये है आपका कौन सा बच्चों, ये भी एस्टर है COOR, लेकिन अब यूज होना है इसका बच्चों क्या, प्रीफिक्स, क्या यूज होना है, प्रीफिक्स। तो क्या बताया था इसका, एल्कोक्सी कार्बोनिल, लिखिए क्या सफिक्स बनेगा इसका, एल्कोक्सी कार्बोनिल, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं लिख लेता हूं 4 पे, इसका साइड चेन में क्या नाम बना 4 पे, किस पे जुड़ा हुआ 6 पे, 6 एल्क क्या हो गया, इथोक्सी, इथोक्सी और आपका ये कार्बोनिल, ये बन गया जी, ठीक है। इसका देखना इसका क्या होता है सफिक्स, साइनाइड का साइनो, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, कार्बन की चेन भी आ रही है, तो क्या आ गया, कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ और YL मिथाइल साइनो, इसका नाम बना 3 पे, और इसका क्या बना 7 पे, 7 साइनो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने ही नहीं लिया मेन चेन में, इसका वैसे होगा क्या 9 पे, 9 पे आप लगाओगे अगर गिन लिया तो एल्डो, लिखिए अब इसका आईयूपीएससी नेम।
लिख देता हूं अल्फाबेट के हिसाब से, साइड चेन लिखो, बाकी आपको पता ही है। ए पहले, ई पहले, या ये वाला एम पहले, या साइनो पहले, देखो कौन सा पहले आएगा। अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले आएगा एल्डो, तो क्या लगाओगे बच्चों? 9 एल्डो। उसके बाद क्या आएगा? इथॉक्सी। ई आएगा, सी आएगा, पहले सी आएगा। 7 साइनो, और इसमें मिथाइल साइनो नहीं आएगा भाई, सही कर लो इसको। इसका नाम आएगा साइनो मिथाइल, मैं नीचे को लिख देता हूं कभी कट जाए, साइनो मिथाइल। ठीक है, तो साइनो मिथाइल आ गया। तो ये देखो साइनो के बाद क्या आएगा, सी का यही है अगला, पर इसमें मिथाइल भी साथ में, इसको भी ले लो। 3 पे साइनो मिथाइल। आगे देखिए भाई, अब इसका फिर क्या आएगा, ई, ई वाला ले लो, 6 कार्बन पे इथॉक्सी कार्बोनिल। और कौन सा बचा? साइड चेन, कोई और बची? नहीं बची, सब पूरी होगी। अब मेन चेन का नाम लिखो, 9 कार्बन की है तो क्या बनेगा? नॉन। उसके बाद लो आप क्या बच्चों, उसके बाद लो बॉन्ड नेम, वो क्या हो गया? एन, क्योंकि कोई सिंगल आपको डबल बॉन्ड नजर ही नहीं आ रहा, तो नॉन एन। और वन पे क्या है आपका? ओइक एसिड। वन को ना भी लिखो तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये काफी स्पेशल एग्जाम्पल आपके लिए लिए गए थे, जिससे आपको आसानी से IUPAC नेमिंग बनाना आ जाए। तो आज की वीडियो में अगर आपको अच्छे तरीके से आप IUPAC बनाना सीख गए हों, और अगर आपने पहले बना के उसके बाद कमेंट में अगर आपने नाम लिखना था, मैंने पहले ही आपको बताया था, और अगर आपके कोई सुझाव हैं हमारी वीडियो के बारे में तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है, लेकिन साथ में घंटा भी दबा देना है, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलने की है, फिर बाद में बोलो सर वीडियो ही नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।